9000 साल पहले की सिविलाइजेशन द्वारिका नगरी। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग 9000 साल पहले एक रॉयल सिविलाइजेशन के तौर पर अगर हम द्वारका नगरी को देखें तो उसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। पौराणिक ग्रंथों में आए उल्लेखों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की नगरी के तौर पर जानी जाने वाली द्वारका नगरी का डूब जाना पहले से ही तय था। इसका एक कारण तो ये भी बताया गया कि माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण को श्राप दिया था, और दूसरा कारण ये बताया गया कि भगवान कृष्ण के बेटे सांब को ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था। ये तो इस सिविलाइजेशन का एक रिलीजियस फैक्ट है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक और रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिविलाइजेशन को देखें तो भी धार्मिक दावों की कहां तक पुष्टि होती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सवालों की, इसलिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक जरूर बनी रहेगा। गुजरात के समुद्र खंबात की घाड़ी के समुद्र की गहराइयों में द्वारका नगरी के अवशेष आज भी मौजूद है। वही द्वारका नगरी जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई है। ये भारतवर्ष की प्राचीनतम सिविलाइजेशंस में से एक। प्राचीनतम द्वारका नगरी का वर्णन सनातन परंपरा के धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। पुराणों में भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समुद्र के किनारे बरसाए गए इस भव्य नगर के बारे में उल्लेख मिलता है। जानकारी के मुताबिक द्वारका नगरी महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष के बाद समुद्र में डूब गई थी। इसके समुद्र में डूब जाने के कारणों के बारे में खोज चल रही है। वैज्ञानिकों को समुद्र की सतह के हजारों फीट नीचे आज भी द्वारका नगरी के होने के सबूत मिले हैं। कहते हैं कि इस शहर के चारों तरफ कई दरवाजे थे और इस तरह कई दरवाजों का शहर होने के कारण ही इसका नाम द्वारका पड़ा। इस शहर को चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से कवर कर दिया गया था। इन दीवारों में कई सारे दरवाजे थे। आज मिले द्वारका नगरी के इन अवशेषों में ये दीवारें आज भी मौजूद हैं। द्वारका नगरी भारत के प्राचीन नगरों में से एक। इसके कई और भी नाम थे जिसके जरिए इस शहर को जाना जाता, जिनमें चक्रतीर्थ, गोमती द्वारका, कुशस्थली, आनर्तक, ओखा मंडल, द्वारावती, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग है। भारत के गुजरात स्टेट के पश्चिमी हिस्से पर मौजूद द्वारका नगरी चार तीर्थ में से एक तीर्थ है और सात पवित्र पुत्रियों में से एक पुरी। दो तरह की द्वारिका हमारे सामने है, इनमें से एक है गोमती द्वारिका धाम और दूसरी है बेठ द्वारिका। इस बेठ द्वारिका तक पहुंचने के लिए जाने वालों को समुद्र मार्ग से होकर जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका को लेकर बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं, बहुत सारी घटी घटनाओं का विवरण मिल जाता है। तकनीकी तौर पर आज वो वक्त है जब इन बातों और दावों को परखा जाए और इन्हें विज्ञान की कसौटी पर देखा जाए। वो द्वारका नगरी ही है, वही द्वारका जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था, वही द्वारका जो द्वापर युग के अंतिम समय में डूब गई थी। ये तमाम रिजल्ट जब रसद से सामने आएंगे तो इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाएगा। साल 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम ने द्वारका नगरी की खोज आरंभ की। इंडियन ओशनोलॉजी के साइंटिस्ट का कहना है कि देश के पश्चिमी समुद्री तट पर मौजूद ये अवशेष 9000 साल पुराने हो सकते हैं। साल 2007 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की टीम जब अपनी खोज कर रही थी, इसी दौरान नौसेना के गोताखोर समुद्र के भीतर समुद्र की गहराइयों में द्वारका नगरी तक पहुंचे और वहां से इस नगर के कुछ अवशेष लेकर बाहर आए ताकि इनका परीक्षण किया जा सके। गुजरात में खंबात की घाड़ी के निकट मौजूदा द्वारका नगरी के अवशेषों के अध्ययन के लिए एक तीसरा अभियान चलाया गया, जिसमें नौसेना की गोताखोर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने द्वारका नगरी के इस अवशेषों पर पहुंचकर इनकी जांच की और फिर यहीं उत्खनन का काम भी किया। इसके बाद यहां से जो नमूने मिले, जो चूना पत्थर के अवशेष मिले, उन्हें परीक्षण के लिए भारत के अलावा विदेशों की प्रयोगशाला तक भी भेजा गया। भारतीय समुद्र विज्ञान के पुरातात्विक विशेषज्ञों ने इन परीक्षणों के बाद जो निष्कर्ष निकाला उसके अनुसार इस परीक्षण और कार्बन डेटिंग रिसर्च के बाद पता चला कि द्वारका नगरी के अवशेष लगभग 9500 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इन अवशेषों के बारे में जानकर विदेशी वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र के भीतर द्वारका नगरी का परीक्षण करते हुए लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में उत्खनन का काम किया। वहां मौजूद नगर के कुछ नमूने इकट्ठा किए और पुरातत्व विशेषज्ञों ने अपने अध्ययन के बाद ये बताया कि ये नमूने किसी मंदिर या फिर नगर के भग्नावशेष हो सकते हैं। द्वारका नगरी की खोज और उसके अध्ययन के सिलसिले में पुरातत्व विशेषज्ञों ने केवल समुद्र के भीतर ही अपना काम नहीं किया, बल्कि जमीन के भीतर भी उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। जमीन के भीतर 10 मीटर की गहराई तक खुदाई करने पर उन्हें सिक्के और कुछ दूसरी चीजें मिली। पुरातत्व विशेषज्ञों ने समुद्र से मिले अवशेष और जमीन के भीतर से मिले अवशेषों का जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्हें ये जानकारी मिली कि ये दोनों अवशेष एक दूसरे से संबद्ध है, लेकिन इन अवशेषों का सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेषों के साथ कोई भी मेल नजर नहीं आता।
भारत के तत्कालीन समुद्री तकनीकी विभाग के मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों को बताया कि अब तक की खोज में एक प्राचीन नदी के बारे में पता चला है। उन्होंने आगे बताया कि ये नदी लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और इसी नदी के किनारे पर प्राचीन नगर के अवशेष और शिल्प प्राप्त हुए हैं। साथ ही ध्वनि चित्रों के माध्यम से पुराने समय के शिल्प कला के बारे में जानकारी मिली है। इस शिल्प का भी जब कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया तो ये जानकारी मिली कि वो भी लगभग 9700 साल पुराना है। लेकिन जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये शिल्प कला का नमूना लकड़ी का बना हुआ है और इसमें दरारें साफ नजर आ रही है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने आगे बताया कि इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक अलग से दल का गठन किया गया है, जो इस बात का भी पता लगाएगा कि इस क्षेत्र के आसपास जो प्राचीन स्थल मौजूद हैं, उनके साथ इन अवशेषों का क्या मेल है। आपको बता दें कि धर्मशास्त्रों और पुराणों में वर्णित द्वारका नगरी और उसके भव्य वैभव के साथ साथ समुद्र में डूब जाने का अध्ययन बीते कई सालों से रुका हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष AK सिन्हा का कहना है कि समुद्र के भीतर भी उतरकर द्वारका नगरी के विषय में व्यापक अवशेष इकट्ठा करना और उनका अध्ययन करना आसान काम नहीं है। इसके लिए एक व्यापक आधारभूत संरचना की जरूरत होती है, एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, साथ ही बड़ी संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों की जरूरत होती है। ऐसे प्रशिक्षित गोताखोर जो समुद्र की गहराइयों में जा सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी के पद पर तैनात रहे डॉक्टर SR राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के समुद्र पुरातत्व विभाग में काफी समय तक काम किया। इन्होंने द्वारका नगरी से मिले अवशेषों पर काफी काम किया। इनके नेतृत्व में भी नौसेना की मदद से समुद्र के भीतर द्वारका नगरी के विषय में जानकारी दुनिया के सामने आई। उनकी टीम ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर करीब 200 कटे फटे पत्थर और दूसरी कई चीजें इकट्ठा की। द्वारका नगरी के समुद्र में डूब जाने के कारण के संबंध में जब सवाल पूछा गया तो इस विषय में AK सिन्हा का कहना था कि ये बात सही है कि द्वारका नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसका कारण क्या है इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सका। इस बारे में प्रोफेसर आनंद वर्धन ने बताया कि महाभारत काल के विषय में और कई लॉजिकल रिसर्चर्स की स्टडी में धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो भी वर्णन किया गया है उसमें द्वारका नगरी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में एक जगह द्वारका समासाध्यम का वर्णन आता है। विष्णु पुराण में एक जगह कृष्णात दुर्गम के विषय में उल्लेख मिलता है। प्रोफेसर राव के समय में जो अध्ययन किया गया उस अध्ययन के दौरान उन्हें 560 मीटर लंबी दीवार मिली, साथ ही उन्हें कुछ बर्तन भी मिले जो लगभग 3000 ईसा के पूर्व के हैं। बीते समय में द्वारका नगरी के विषय में खोज चल रही है। जिस जगह पर द्वारका नगरी की खोज का काम जारी है वो खंबात की खाड़ी में आता है और खंबात की खाड़ी में समुद्री लहरों का प्रकोप भी देखा गया है। समुद्र में यहाँ पर प्रति सेकंड 2 से 3 मीटर लहरें उठती हैं, जो इस काम को और भी मुश्किल बना देती है। चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने ध्वनि चित्रों का सहारा लिया। समुद्र के भीतर मौजूद शिल्प और अवशेषों को निकालने के लिए निकर्षण उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में ये कहा जा रहा है कि द्वारका नगरी के माध्यम से जो खोज सामने आ रही है वो भारत के प्राचीन इतिहास, उसके गौरव और भव्य वैभव की कहानी कहती है और इसे इसी स्वरूप में दुनिया के सामने रखा जाएगा। वाकई में ये बड़े ही गर्व का विषय है। तो ये थे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका पर चल रहे अध्ययन से जुड़े कुछ फैक्ट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।